हो तो वहां ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ जमीन में हर जगह होती है। तो कुछ पॉइंट हैं जो आपको क्लियर करना चाहूंगा कि भाई हम इस जमीन के मैटर में क्यों आए और कैसे हम प्लॉट को लें। कुछ मैंने 5-7 पॉइंट आप लोगों को वैल्यू देने के लिए निकाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को वैल्यू मिले। और जो कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो वो प्लीज नोट कर लें और फिर 1-2 में बैठ के उसका कोई क्लियर कर दूंगा आप सबको। तो जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी आप लोगों से शेयरिंग करने जाऊंगा। तो थैंक यू आप सभी। तो मैं आप सब से एक इजाजत चाहूंगा कि एक स्टोरी के साथ मैं अपनी चीजों को शेयर कर सकता हूँ, स्टोरी सुना सकता हूँ आपको। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सभी का। जब हम एक गांव में रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं कि ये हमारा बच्चा शहर में जाए, बड़ी नौकरी करे, बड़ा बिजनेस करे। तो ऐसे ही दो दोस्त थे, गांव के अलग अलग थे। एक स्कूल में पढ़ते थे, गांव का जो मिडिल स्कूल था, तो वहां वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में अव्वल थे वो, और उनके सपने बड़े थे। तो जब सपने बड़े तो एक कहते ना अपने सोच का आदमी कोई साथ बन जाता तो समझ। तो वो जब पढ़ाई की उन्होंने, उनकी शादी हुई, शादी के बाद जब उनकी पढ़ाई अव्वल हुई तो वो शहर के लिए निकल गए। अब शहर में हर बच्चे का या हर पेरेंट्स का यह सपना होता है कि मेरा बच्चा शहर में जाए और अच्छी जॉब मिल जाए इसको। तो वो दोनों शहर के में आए, अपने कुछ दिन पहले जॉब की, फिर अपनी पत्नी को भी शहर में ही आए और अपना उनका जीवन अच्छा खासा चल रहा था, बढ़िया सब कुछ। लेकिन वो था कि भाई जैसे हम समझे तो कि उनके सपने बड़े थे, तो वो सोचते थे भाई जॉब में उन्होंने कुछ दिन जॉब की 2-4 साल, तो जॉब में उन्होंने देखा कि भाई हमारे जो हमारे सपने थे वो पूरे नहीं हो सकते, हमें जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो उन दोस्तों ने प्लानिंग की कि हाँ कुछ ना कुछ हम ऐसा बिजनेस करते हैं जिससे हमारी जॉब भी चलती रहे और कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती रहे। हम जॉब को जब क्विट करेंगे, जब हम इतना पैसा अर्न करने लगेंगे कि जॉब छोड़ देगा, हम बिजनेस में अपना सफल हो जाए। तो उन लोगों ने अच्छी सोच के साथ एक प्लानिंग की और उन्होंने प्लानिंग की कि पूरे दिन तो मैं जॉब करता हूँ। और वो गांव से थे तो उन्हें नॉलेज थी क्या एक चीज की, पशुपालन की, कि भाई मैं दूध निकाल सकता हूँ। और दूध का जो काम है, आपने किसी डेयरी को या किसी को देखा तो सुबह तो 1-1 घंटे का काम होता है, शाम को 1-1.5 घंटे का काम होता है। आप दिन में नहीं भी रहोगे उस काम पे तो वो आपका काम चल जाएगा। तो उन दोनों भाइयों ने प्लानिंग की, दोनों दोस्तों ने प्लानिंग करी कि हम जो है दूध का काम स्टार्ट करते हैं, उसकी हमें नॉलेज भी है। और एक एक भैंस लाते हैं, पहले एक भैंस लाएंगे, फिर एक भैंस से वो 2 भैंस करेंगे, 2 से 4 करेंगे और हम डेयरी फार्म बढ़ाएंगे। तो सपने बड़े हमारे तभी पूरे हो सकते हैं जब हम डेयरी फार्म मतलब कुछ बिजनेस में रहते हैं। तो दोनों दोस्तों ने डिसीजन लिया वहां पे और अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने प्लानिंग की कि आप भी भाई एक भैंस लाओ, मैं भी एक लाता हूँ। एक दिल्ली के उस कोने में द्वारका साइड था, एक सागर साइड था। तो इस तरह का जॉब भी उनकी अलग अलग ही थी, लेकिन जब उन्होंने प्लानिंग की तो साथ बैठ के किए, सपने उनके बड़े थे तो साथ बैठे भी उसने प्लानिंग की। तो क्या हुआ कि वो एक जो भाई था उन्होंने आया अपनी वाइफ को बताया और उसकी वाइफ ने कहा ठीक है जी, दिन में तो मैं खाली रहता हूँ, आप भैंस लाओ, सुबह काटना आप जानते हो, मैं भी सीख जाऊंगी। उसको पूरा सपोर्ट किया उन्होंने और काम करने लगे। 1 से 2 भैंस हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, 10 हुई। उन्होंने अपनी डेयरी को फिर दूध का एक प्लांट बना लिया। कुछ जमीन है, जब भैंस रखता है आदमी तो ये सोचता है यार ये प्लॉट तो मेरा 50 का है, मैं 200 गज लूं, क्योंकि पशुपालन करना तो जमीन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसने धीरे धीरे करके अपना जमीन को बढ़ाता रहा और एक दूध का प्लांट स्थापित कर दिया। अब क्या होता है कि प्लानिंग तो दोनों की थी, किसी कारणवश दूसरे दोस्त का वो काम चालू नहीं हो पाया, वो अपनी जॉब में लग गया था। 5-10 साल बाद दोनों किसी एक अचानक मिल जाते हैं कहीं रोड पर, और एक भाई जो था, जो दोस्त था उसका, वो ऑडी गाड़ी में था और वो आज पहले साइकिल से था, अब बाइक पे था। वो उसने कहा यार हम दोनों ने साथ प्लानिंग की थी,
आप भी साथ में प्लानिंग थी, आप मैं तो न्यू जी आप न्यू जी भाई हमने बात साथ दोस्त साथ तो प्लानिंग की थी। तो कहने लगा कि क्या न्यू वो जो प्लानिंग थी उसके जिसपे ऑडी गाड़ी थी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी थी, बहुत बड़ा ऑटो प्लांट था, उसने कहा कि भाई हमने प्लानिंग की थी कि 100 लोग हम गांव से बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, एक अपना बिजनेस है उनको रोजगार देंगे। तो मेरी तो सब प्लानिंग वही चल रही है जो मैंने प्लानिंग की थी आपके साथ, लेकिन आपका ऐसा क्या हुआ जो आपकी प्लानिंग फेल होगी। तो उसने फिर उसे वो सारी बातें बताई कि मैं प्लानिंग आपके साथ की थी, सब कुछ किया था, लेकिन मैंने घर में जाकर अपनी वाइफ से पूछा और वाइफ ने मुझे एक शब्द बोल दिया कि अगर मेरी भैंस तेरी भैंस मर गई तो वो भैंस उस इंसान की मेहनत की, उसके सारे जीवन की भैंस मर गई थी, वो प्लान उसका। तो हम जब कोई डिसीजन ले, मैं आज हम यहाँ स्टेशन में भी आए हैं, हम यहाँ बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और अब हम अपने घर जाके अपने रिश्तेदार से, वाइफ से या किसी तीसरे पर्सन से पूछे कि ऐसे ऐसे वहां गए थे सेमिनार में और उन्होंने बताया आपकी कंपनी 100 करोड़ की जानेगी, ये हो जाएगा, तो कि आपको क्या सलाह देगा, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ हुआ क्या है, क्या हम लोगों ने प्लानिंग की है। कि सलमान सर ने 2 लाख रुपए बोल दिए, पागल हो गए 2 लाख रुपए तो वो लेकर भाग जाएंगे, उनका कोई पता नहीं, उसको कुछ पता नहीं है ना सुभाष के बारे में, ना सलमान सर के बारे में, ना किसी के बारे में। तो दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जो भी डिसीजन लेना है, या तो आप अपने बच्चों को, वाइफ को, रिश्तेदार को साथ लेके बैठे उस प्लानिंग में कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, या उसको एक अपना माइंड सेट में अपना रखना चाहिए। जैसे जो भी आज तक आगे बढ़े उन्होंने किसी का कोई डिसीजन, उनका खुद का डिसीजन हुआ आज तक। तो कुछ प्रेरणा मिली इस कहानी से आप लोगों को? थैंक यू। मनुष्य जब जीवन में हम डिसीजन लेते हैं ना तो यही सोचते हैं कि वो पहले उसको पूछेंगे, पहले उसको पूछेंगे। अरविंद सर है इनके यहाँ या मेरे यहाँ, जब जमीनें कटी थी जंगल माउंटर में तो हम अरे वहां क्या करेंगे, विकास परिषद क्या करेंगे, रोहिणी क्या करेंगे, और जो लोग एक्चुअल में शहर में रह रहे थे उन्होंने कभी भी नहीं वहां जंगल है, ये है वो है। तो जो उन्होंने आज जंगलों में ली थी, हमारे बाबाओं ने ली थी, सर के बाबा ने ली थी या पापाओं ने ली थी, तो आज हम सब करोड़पति हैं जो शहरों में जिन्होंने कहीं भी लिए जमीनें। तो यही है कि जमीनों को कैसे डेवलप होता है वो ऑटोमेटिक होती है, आप और हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, एक अच्छी सोच के साथ इन्वेस्ट ही कर सकते हैं जो हम लोगों के आपके हाथ में है। तो पहले तो ये है कि हम लोग जो है जब हम किसी जमीन को किसान से लेते हैं तो वो कृषि भूमि होती है, और जब हम उसे डेवलप करने की प्लानिंग करें तो हमें या तो ये है कि वहां की एक ग्राम सभा होती है, ग्राम परिषद होती है, नगर पालिका होती है, एक छोटी तो प्लानिंग ये होती है कि मैंने 2 बीघे ली, 4 बीघे ली, नगर पंचायत से नक्शा पास करवा दिया या उसको आवासीय करवा दिया वहां की नगर परिषद से, और एक बड़ी जमीन की प्लानिंग होती है जिसको आप 11-12 एकड़ 15 एकड़ में एक टाउनशिप ले सकते हो और उस पर रेरा अप्रूवल करा सकते हो, गवर्नमेंट की कुछ लॉन की परमिशन है कुछ, उनमें ये भाई उनमें जो सड़कें हैं वो आपको चौड़ी छोड़नी पड़ती हैं, ये सब चीज़ों की प्लानिंग करके हम एक जमीन को डेवलप करते हैं। तो पहले तो किसी भाई को अगर कोई जमीन डेवलप करनी है तो ये 3-4 चीज़ें कि उसमें सबसे पहले अगर हम कोई जमीन ले रहे हैं वो मान लो जैसे चौधरी के सर के नाम है, पहले मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अगर करोड़ रुपया या लाख रुपया कहीं लगा रहा हूं तो मुझे वहां के पटवारी से, तहसीलदार से जाके सर्वे करना चाहिए कि सर ये जमीन मान लो मनोज जी ने मुझे बताई है और है जसवंत चौधरी सर की या हीना मैम की, तो वो जमीन वाकई में है उसकी या नहीं है, उसमें सिजरा जो है, एक सिजरा होता है, आपने देखा हो कभी कोई गया हो तो वो कागज उसका होता कपड़े का, और उसमें जो खसरा नंबर होता है वो तहसीलदार या पटवारी ही आपको बता सकता है कि जसवंत चौधरी का ये खसरा नंबर है
और ये खसरा नंबर जहां आप जमीन ले रहे हो यहां पे नहीं है, ये वहां पे है उस कोने पे। हम लोगों से ये गलतियां होती हैं कि हम जमीन ले लेते हैं वो और रजिस्ट्री हो जाती है यहां की, तो उसमें बाद में क्या होता है वो के कोर्ट के ये वो हम उन्हीं चक्रों में फंस जाते हैं और बाद में ये कहते हैं जी जमीन वाले फ्रॉडी हैं, डीलर फ्रॉडी हैं, वो ये वो है ये वो है। देखो आप करोड़ों रुपए लगा रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जो जमीन ले रहा हूं पहले मैं उसके लिए 10-20 हजार रुपए खर्च करूं, मैं करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस जमीन का सर्वे मैं करूं, वो किसी ग्राम सभा में तो नहीं आएगी, आगे की कोई गवर्नमेंट की यहां प्लानिंग तो नहीं है। तो हम प्लान देना बहुत आसान है लेकिन अपने को प्लान कभी नहीं देते। दूसरी चीज थी मैं आपको जो बोलता था कि प्लॉट फ्री में देते हैं हम लोग, कैसे देते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लोगों के मन में ये डाउट होगा कि भाई प्लॉट बोलते देते कोई नहीं है, मैं आपको प्रूफ करके देता हूं कि हम लोग जो नई टाउनशिप काटते हैं, नई कॉलोनी काटते हैं, उनमें 2-4-10 लोगों को फ्री में प्लॉट देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। क्या होती है वो? मैंने ये 20 बीघे जमीन दी और मुझे 8 लोगों को 50-50 के फ्री प्लॉट देने, इसके जो आउटर जमीन होती है वो कहां होती है? शहर में तो होती नहीं है, वो शहर से कहीं ना कहीं बाहर होती है। तो जब हम 8 लोग उनको चुनते हैं, हम उन ये भी नहीं चुनते कि हम ये गरीब होना चाहिए, हम जो चाहते हैं वो रईस हो, पैसे वाला हो, कि हम चाय की गरीब हो देंगे, हमारी ये मंशा कभी नहीं होती, लेकिन हम हमारी दो ही कंडीशन होती है सर, पहले भी हम आपकी रजिस्ट्री करके दे रहे हैं, फ्री में प्लॉट आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है आप इसमें बनाओगे या तो खुद रहोगे, अगर मैं 5 लाख का तो ये प्लॉट फ्री दे रहा हूं आपको तो 5 लाख आपको इसमें लगाने होंगे, और अगर या तो आप खुद रहोगे या किसी को रखोगे यहां पर, तो उससे क्या होता है हमारी कॉलोनी डेवलप होनी दिखाई देने लगती है, हम लोग साइड में जाते हैं हमें चार आदमी और मिलते हैं, हम अपने घर से चाय पीने जाते हैं वहां जाते हैं तो भाई साहब वहां जा रहे हैं, सर चाय पीने को मिलेगी जब मैं आपको कोई फ्री प्लॉट दूंगा, कोई मिलने जाएगा चाय के लिए सबसे पहले मिलन सर मुझे पूछेंगे, या उसने कोई किराएगा रह रहा है, मान लो सिंजा मैंने प्लॉट लिया और इन पर पैसे बजट ही दिए हर शहर में, लेकिन इन्होंने किसी ना किसी गरीब आदमी को उसे कह दिया आप फ्री में रहो वहां पर, अब महीने में 2 महीने में सिंजा मैम भी वहां जाएंगे, सिंजा मैम आपके किसी पड़ोसी को रिश्तेदार को कि मुझे एक प्लॉट मिला था मैंने वहां बना रखा है, मैंने प्लॉट ही फ्री को दिया, बनाने में तो आपने पैसा लगाया ना, और किसी ना किसी को आपने छोड़ा, मैं कहता हूँ सिंजा मैम नहीं रह रही वहां, लेकिन कोई ना कोई तो रह रहा ना, आपने किसी ना किसी गरीब आदमी की तो हेल्प की है रहने में। तो इस तरीके से जब आपके रिश्तेदार जाएंगे तो हमारी जो प्लॉट की ग्रोथ है 8-10 प्लॉट बनते हैं नई कॉलोनी में, उसकी जो रेट मान लो 20 हजार है, 8-10-15 प्लॉट बनते के साथ ही उसकी वैल्यू 25 हजार हो जाती है। धीरे धीरे हम भी कोई डेवलपमेंट करते हैं उसमें सड़कें में मट्टी गिरवा दी, कभी कभी खंभे खड़े करवा दिए, तो ऐसी जब तक वो साल भर के अंदर से गुजरती है चीजें जमीन है तो 20-30 हजार में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। हम लोग उसमें ये नहीं है भाई कोई उसमें ऐसा कुछ करते हैं, केवल ये है कि हमारे ऐसे कोई सोसाइटी आपके यहां बन रही हो जिस दिन उसकी गड्ढे खुद रहे होंगे उस दिन उसका रेट सुन लेना, और जिस दिन वो बनकर तैयार हो जाए 2-3 साल में उस दिन के रेट देख लेना। हम लोग ये नहीं है नहीं है जो हम बोलते हैं प्लॉट फ्री में देंगे तो फ्री में देते हैं उससे हमारी ही ग्रोथ होती है। मान लो हम 20 बीघे जमीन में 20 आदमी है, एक एक बीघे 1-1 लाख रुपए मान लो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ तो वो हमारे लिए यही लोग जो वो जिनको हम फ्री प्लॉट देते हैं वही 10-10-20-20 प्लॉट बिकवाते हैं, और जो हम लोग कमीशन देते हैं साइड विजिट कराते हैं पैसा खर्च होता है उसमें हमें साइड विजिट भी नहीं कराते हम लोगों की, वो मान लो जसवंत सर के रिश्तेदार है कनाडा में रह रहे हैं, मेरे कुछ सामने में ऐसे आदमी हैं जो कुवैत में काम कर रहे हैं, रह रहे बिहार के
इन्वेस्टमेंट दिल्ली में होगी, केवल विश्वास। पैसे की ग्रोथ हुई जाना 20 से 30 साल में उनके पैसे को ग्रोथ में दिया, उसकी प्लॉट की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है या उनके कोई किसी ना किसी के रिश्तेदार भी होते हैं शहर में, तो वो अपने रिश्तेदारों को भाई हमारे अकाउंट में देख लेना। तो वो जब ये चीज बोलती है ना समझ में, मैंने रिश्तेदार को देख लेना मेरा वहां प्लॉट है, तो किसी ना किसी को रिश्तेदार को भेज रहा ना, तो वो रिश्तेदार भी चाहता कि मेरा भी प्लॉट वहां एक हो जाए। समाना मैम ने रखा है मैं इतनी दूर से समय तो बॉम्बे जा रही है, उन्होंने दिल्ली प्लॉट ले रखा है और मैं तो यहीं जा रहा हूँ दिल्ली में। तो उस वजह से जो हमारे प्लॉट की बिक्री भी ज्यादा होती है इन सब चीजों से, धीरे धीरे करके ऐसे ही करोड़ी डेवलप होती है। और इसी आउटर जाते हैं हम लोग तो वो प्लॉट एक सस्ता होता है, जैसे जैसे वहां करोड़ी बस्ती चली जाती है, भीड़ होती चली जाती है, तो वही उसकी 5 से 10 साल में जो 10,000 रुपए की चीज थी वही 20, 30, 40, 50 में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ वैल्यू मिल रही है आप लोगों को, कोई ऐसा नहीं है मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या आपको ये लग रहा है आप गलत बातें बता रहे हो, कोई नहीं वैल्यू भी मिल रही है ना सर, कोई पॉइंट किसी का तो आप नोट कर लेना, उसको भी मैं क्लियर करूंगा। दूसरा मेरा पॉइंट था कि प्लॉट में फ्लैट से ज्यादा ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि प्लॉट जो है वो जमीन से होता है, फ्लैट जो है मंजिल बाई मंजिल होते हैं, प्लस जो प्लॉट है उसमें आप जब देखोगे तो वो कम पैसों में मिल जाता है। जहां दिन उस प्लॉट पर फ्लैट बन रहे हैं तो उस प्लॉट की तो वैल्यू 1,00,000 रुपए में होगी ना, अब जो उसमें फ्लैट बन रहे हैं अब लोग यूजर आता है वहां इन्वेस्ट नहीं है, आप फिर यूजर आता है और वो ये देखता है कि मुझे यहाँ से मेट्रो कितनी दूर पड़ेगी, मेरी जॉब कितनी दूर पड़ेगी, मुझे यहाँ मार्केट कितनी दूर है, ये सब चीजें देखता है वो अपने 10 रुपए या फ्लैट की कीमत को नहीं देखता, बस उसे रहने का सुकून मिल रहा है। तो फ्लैट की में जो ग्रोथ है वो कम होती है प्लॉट की। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भाई जो प्लॉट है उसकी वैल्यू एक अलग पड़ती है फ्लैट की वैल्यू, पैसा दोनों में इन्वेस्ट होता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि मैं एक इन्वेस्टर हूं और या जसवंत सर है या हरविंदर सर है, हरविंदर सर हम कोशिश करते हैं सर रहे विकासपुरी में, अब यार कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे ना तो अपने इधर उधर ही देखेंगे और 20 लाख का फ्लैट लगाते हैं और उसे 5,000 रुपए के रेंट पर देंगे कि भविष्य में मेरे पास 20 लाख रुपए मुझे तो इन्वेस्ट करना ही है नहीं, तो उस जो कंफर्ट जोन उससे निकलना नहीं चाहते लोग जो मिडिल क्लास है या। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा आउटर में लगाते हैं पैसा, और आज का जो दौर है वो तो सर एक अलग ही दौर चल रहा है रियल एस्टेट में, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। अगला मेरा पॉइंट है प्लॉट और फ्लैट कब लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए। देखो थोड़ी मानव होती है, मानव मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है तो मुझे 20 साल के बारे में बात भी सोचनी, तो मुझे उस समय प्लॉट में जाना चाहिए कि भाई मेरे पास 20 साल का समय, एक है कि भाई मेरे पास एक घर है और अब 2 साल बाद मेरे बच्चे की शादी होनी है तो वो छोटा घर पड़ रहा है, तो बच्चे की शादी होगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा भाई मेरा फ्लैट तो एक ही है ना मुझ पर, या मकान है तो एक मंजिल मकान का तो हम लोग 2 मंजिल 3 मंजिल जो है क्या सोचते हैं कि हर कसर जब हमारा अपना मकान होता है तो उसे 2 मंजिल 3 मंजिल ही बना रखते हैं, जब बच्चे की शादी की प्लानिंग करते हैं तो 1 मंजिल उसको और बना लेते हैं या 2 मंजिल और बना लेते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है या यूजर है वो इन चीजों में से अलग होकर वो केवल ये सोचता है मेरे बच्चे की 2 साल बाद शादी है, मैं अपने पास उसे रखना चाहता हूँ, तो वो क्या सक करता है कि यहाँ मेरा मकान है यहाँ के 1,00,000 किलोमीटर के दायरे में मैं अपना फ्लैट लूँ। तो दोनों सिचुएशन अलग होती है आपकी कि भाई मैं बिटिया की शादी के लिए या मुझे पैसे की जरूरत 20 साल या 10 साल बाद है तो मैं उस सोच से अपना इन्वेस्ट करना है, या मुझे ये है कोई अपने बेटे की शादी करनी है और या मुझे मंथली एक रेंट चाहिए तो वो फ्लैट में मिल जाएगा उसे और आसपास में कहीं ले लेगा
तो दोनों सिचुएशन अलग हो जाती है। तो हमें कहाँ लेना है ये अपनी सिचुएशन के अनुसार हमें देखना है कि मुझे क्या प्लॉट में जाना है या फ्लैट में जाना, मुझे पैसे की कब जरूरत है। एक तो मेरा पॉइंट ये था आप सभी को इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती होगी कि हमारा प्लॉट लिया और पड़ा होता है या फिर प्लॉट हमारा कई बार शहरों में क्या होता है कि वो डैमेज हो जाता है। हमारे बाबा ने बनाया था, हमारे पापा ने बनाया था, आज हम दो नहीं है तो उसे बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। पहले हमारा दो मंजिल था, आज पांच मंजिल बना रहा है, छह मंजिल बना रहा है, दस मंजिल, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी वाटर कंडीशन है, तो हम उसे बनाते समय क्या ध्यान रखें। ये समस्याएं बहुत ज्यादा आती है। अगर पड़ोसी चार नहीं बनाने देते, गली के लोग जो माल नहीं आने देते आपके घर तक, वो कुछ ना कुछ है, तो एक तो सबसे पहली चीज ये कि जब हम कोई भी प्लॉट बनाए तो उसे नक्शा पास करवा लें या वहां का लोकल जो डिपार्टमेंट है, एमसीडी है, पुलिस है, दिल्ली में ग्रीनरी वाले, उन सबसे सेटिंग करनी पड़ती है, दो रुपए का लेन देन करना पड़ता है, तो वो आपके माल को कभी भी रोड पे नहीं गिरने पड़ा रहेगा, तो आपको चिराग नहीं काट के जाएंगे, कोशिश करेंगे जब उनसे आपकी चीजें सुनेंगे। प्लस पड़ोसी का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हम अपना मकान बनाते तो अपने पड़ोसी को ये नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, जब अपना मकान बनाते तो हमारी दीवारें नीचे से ऊपर तक, हमें ये भी देखना है कि भाई हमारी नींद पहले 20 फुट नीचे 10 फुट नीचे है और पड़ोसी ने 5 साल या 10 साल बाद बनाया उसकी 5 फुट ऊपर है, तो कोशिश ये करना है कि हम अपनी जमीन को पूरी ना खोदें जिससे उसको भी नुकसान ना हो, आपके ऊपर वो ब्लेम ना करे, आपसे बातें ना बना ले। तो आप कोशिश ये करें कि अपना बस जहाँ पिलर है उसी चीज को गहराई तक ले जाए, अपनी नींद वहीं तक छोड़ दे जहां तक अगले की नींद है। दूसरी कोशिश करें कि जो साइड में हम लोग मकान बनाते हैं तो पहले ऐसे ही बना देते थे सर, आज जो पॉलीथीन डालते हैं साइडों में जिससे उसके मकान में सिलर न जाए, उसका पेंट खराब ना हो, तो अपनी जितनी भी दीवार है तीनों तरफ की या दो तरफ की तो उन पर पिन्नी डाल के या कोई और कई चीजें आ रही है आजकल, पहले आप मकान दूसरे के मकान को पेंट कराते हैं या तारपुल से भी सीमेंट कर वो करवा लेते हैं अगर उसकी दीवार में कभी पेंट नहीं हुआ है या कच्ची है वो या खुली है आपकी तरफ से, क्योंकि खुली जब दोनों में मंगाते तो प्लास्टर नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपकी दीवार हल्की बनाते हैं तो उसकी दीवार ओपन होगी, तो हम कोशिश ये करें कि उसकी दीवार में पहले प्लास्टर करवा दें या पिन्नी लगवा दें। देखो दो ही ऑप्शन है जिससे वो पड़ोसी आपकी हमेशा मदद करेगा और आपका सामान भी आएगा, तो देखो जब मकान बनता है तो शायद मेरा मकान 2 किलोमीटर दूर हो या 2-10 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ मैं, तो जब पड़ोसी से हमारी पड़ी रहेगी तो वो आपके सामान की भी रक्षा करेगा और आपका जो सीमेंट पड़ा है या कोई और बात है या आप कहीं जॉब पे भी आ रहे हैं तो आप उसका ख्याल रखोगे तो उसके बच्चे भी आपको, और जब हम लोग कहीं मकान बनाते हैं तो जैसे समीर में पड़ोसी जो चाय तक पिला के आप पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं वहाँ साइड में, तो जब हम उनसे बढ़िया बना रखते हैं तो दिन में 2 बार चाय भी आपको मिलेगी वो पीने के लिए, और आपने पड़ोसी से बिगाड़ के रखी तो चाय तो पानी पानी भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखना है पड़ोस में हम मकान बना रहे तो अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें। और ये सफल परिवार का तो एक ये है कि हम लोग तो एक दूसरे को बाहर उससे लेके करते हैं, लेकिन आप उसमें जाओगे तो ये चीजें नहीं मिलती है। अपने 100 रुपए का नुकसान कर लेगा लेकिन दूसरे के 10 रुपए खर्च नहीं करता। मेरा अगला पॉइंट था कि रहने के हिसाब से हमें प्लॉट या फ्लैट या बंगला कहाँ लेना चाहिए। देखो जब रहने का एक वो आ जाता है तो सर कुछ चीजें बहुत सोचनी पड़ती है, प्लॉट या फ्लैट या वैसे भी अनऑथराइज प्लॉट में भी होते हैं, अप्रूव प्लॉट में भी होते हैं, बंगला भी होते हैं, तो पहले तो हमें कोशिश करिए कि अपने बजट के अनुसार, अगर मेरा बजट है और मैं कहीं बंगला ले सकता हूँ अच्छी सोसाइटी में, तो पहले चॉइस ये होनी चाहिए बजट के अनुसार कि मैं बंगले में जाऊँ। अगर मेरा बंगले का बजट नहीं है तो फिर फ्लैट मुझे लेना चाहिए सोसाइटी, जहाँ गेटेड सोसाइटी हो, आप ऊपर छत से आओ, लिफ्ट से आओ, नीचे पार्क हो, स्विमिंग पूल हो आपकी सोसाइटी में, या आपके सुबह या शाम हम खाना खाते हैं घूमने के लिए निकल जाते हैं, ये चीजें आपको अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं मिलेगी। आप फ्लैट अनऑथराइज कॉलोनी में ले तो लोगे लेकिन आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी।
तो मेरी चॉइस या अधिकतर लोगों की चॉइस यही होती है कि भाई अगर मेरा बजट है तो मेरा कैसी अच्छी सोसाइटी में बंगलो हो, नहीं तो मेरा फ्लैट भी हो तो वो गेटेड सोसाइटी हो जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाए। तो मैं रहने के हिसाब से यही चॉइस है मेरी भी और अधिकतर लोगों की जो मैंने आज तक देखा है कि वो एक गेटेड सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। हाई रेस बिल्डिंग भी हो लेकिन गेटेड हो और वहां वो सुविधाएं हम लोगों में नहीं थी। लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो इन्वेस्टर के लिए एक अलग ट्रेंड आया, शायद आप सब लोगों की नॉलेज में हो या नहीं हो। जब से कोरोना काल आया है, पहले हम जाते थे सर अगर मुझ पे एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं क्या चाहता था कि एक फार्म हाउस ले लूं कहीं। लेकिन जब से कोरोना काल आया है मैं रियल एस्टेट में हूं, मुझे बहुत ज्यादा चीजें ये प्रभावित की है कि आज जो लोग हैं वो रेंटल इनकम के लिए कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफिसों में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पहले ऑफिसों का बहुत बड़ा माहौल था शहरों में कि भाई मैं एक ऑफिस में इन्वेस्ट कर दूं वहां से मुझे रेगुलर रेंट आ जाएगा। तो आज ऑफिस भी लोगों के खाली पड़े हैं, रेंट नहीं आ रहे हैं, मॉल है उनमें वहां लोगों ने दुकान लिया वो खाली पड़े हैं। इतना उनका रेंट था कि वो लोगों ने मजबूरी में खाली करनी पड़ी कि अगर मान लो सवा महीने वहां दुकान मिल रही और उसका सेल है नहीं रेंट 50,000 रुपए, क्योंकि जब हम किसी मॉल में या किसी कॉमर्शियल स्पेस में या किसी सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं तो हमें इनकम आए या ना आए खर्चा आपका बन गया। वहां का लिफ्ट का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, वहां की गेटेड सोसाइटी है उसका जो कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा, ये सब चीजें आपकी रेंट आपको आए या ना आए ये कोई मायने नहीं रखता, आपको वहां की जो सोसाइटी का जो खर्चा है वो उसको देना पड़ेगा, मेंटेनेंस प्लस ये सब चीजें। तो अब जो लोगों का नया कल्चर आया है सर, जैसा ये रिजोर्ट है कोरोना के बाद लोगों ने ऐसे रिजोर्ट थे वो पहले आम आदमी की समझ में नहीं थी चीजें ना नॉलेज थी। आज की डेट में क्या है कि जितने रिजोर्ट बन रहे हैं, जितने होटल बन रहे हैं, जितने कॉमर्शियल स्पेस बन रहे हैं, आज आम आदमी की पकड़ बनती जा रही है उनसे। और ये जितनी भी रिजोर्ट टाइप की या हॉस्पिटल टाइप की जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटी बन रही है ये कभी खाली नहीं रहती। आप इनको देखना आज की जो यंग जनरेशन है, हम लोग आज से 20 साल पहले मैं चाहूं तो मैं 20,000 का खर्च करता हूं घूमने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन आज हमारी भी सोच बदल गई है क्योंकि घर में गाड़ी हर घर में लगा लिया, सेल्फ लगाया और जिधर को मुंह गया उधर को चल दिया। और जो यंग जनरेशन है वो तो हमसे भी कहीं गुना आगे है। तो ये जो रिजॉर्ट की कैटेगरी आई है, होटलों की कैजुअलिटी आई है, जो शहरों से आउटर पर बढ़ रहे हैं कितने भी, इनमें रेंट का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। आप अगर एक हम लोग एक रिजॉर्ट बना रहे हैं लखनऊ से पहले, तो उसमें जो है हम लोग ही 1% का रिटर्न कोड करके दे रहे हैं पार्टी को। तो आज की जो जनरेशन आई है रिजॉर्ट में, अब ये ऑप्शन अगर किसी के पास है देखो तो है करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट से इन्वॉल्व नहीं करते वो लोग, क्योंकि एक कैटेगरी होती है ना कि भाई अब मैं किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करूं तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपए लेंगे तो मेरे साथ आए ना वो बंदा। तो उनमें जो कैटेगरी आती है वो कलर कैटेगरी आती है, लेकिन वो रिटर्न के मामले में रेंट के मामले में बहुत अच्छी चीज है आज के अनुसार। तो ये 5-7 पॉइंट थे जो मैंने आप सब लोगों को क्लियर किए। आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली है नहीं? Yes, sir. और दूसरा अब जो आप लोगों के लिए मैं एक ऑफर लाया हूँ सफल परिवार के कुछ सदस्यों के लिए, केवल 5 लोगों के लिए वो ऑफर होगी कि मैं अभी मेरी सक्सेस प्लानिंग हुई थी परसों ही जब आया था, मैं अपनी जमीनें लेता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, इन्वेस्टर हमारे वहां है उनकी हमें ऐसी कोई इन्वेस्टर को ढूंढने की जरूरत है वो नहीं पड़ती क्योंकि हम एक लोकल में काम करते हैं तो हमें उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस परिवार से मैं जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार की भी ग्रोथ हो कुछ ना कुछ अपने सफल परिवार के माध्यम से। तो मैंने एक अभी जमीन ली है, वो 4-4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है पूरा, उसकी वीडियो आप देखना चाहोगे तो सारी दिखा देंगे। उसमें हम अभी गलियां बनवाए, किसान से हमारा एग्रीमेंट हो गया, गली बनवाए, उसमें मैंने पर्सन 1,000 गज जमीन ली है
जो फोर साइड ओपन है, 20 फुट 20 फुट 20 फुट 20 फुट, चारों तरफ 20 फुट की सड़कें हैं उसमें। उसमें हमने कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकता है, 2 साल में उसे हम डबल देंगे। गारंटी के तौर पे जो 1 लाख रुपए लगाएगा उसे 2 साल बाद का चेक दे देंगे 2 लाख का। जो 2.5 लाख रुपए लगा सकता है उसे हम, मेरी जो दूसरी सोसाइटी है जो टोनिका सिटी, टोनिका इंक्लेव के नाम से मेरी सोसाइटी चल रही है, उसमें मैं 25 गज का प्लॉट उसके नाम कर दूंगा, रजिस्ट्री का पैसा उसका लगेगा। जिस दिन मैं रजिस्ट्री वापिस लूंगा मैं, उस दिन पैसा मैं खर्च करूंगा उसको। 25 गज में 25,000 का रजिस्ट्री का चार्ज आता है, वो चाहे तो रजिस्ट्री भी करा सकता है। उस मकान, उस प्लॉट को 2 साल तक, जब तक वो हम उसे पैसा वापिस ना दें, वो बना के भी रहे, रेंट पे दें, ये उसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी के तौर पर। 2 साल बाद वो अपना देना चाहे, और उसे 2 साल बाद भी ये अब उसको लगता है नहीं, मुझे नहीं देना आपका प्लॉट, मुझे नहीं चाहिए आपसे 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए, तो वो प्लॉट भी रख सकता पहले दिन से उसका। हमने तो उसके लिए एक ऑफर है भाई, उसके पैसे को ये ना लगे कि वो पैसा डूब रहा है या अनो कहीं अलग है या वो है। हम लोग जो प्लॉटिंग में पैसा कमाते हैं 2 साल में डबल कैसे होता है, वो भी मैं थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों से क्लियर, क्योंकि पहले समय जब हम जमीन देते हैं तो अगर कोई भी हम जमीन देते हैं तो उसे 2 साल में डबल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे देखो समय है, इस गारंटी नहीं लेते हम उन चीजों में। आप आपने मेरे यहाँ प्लॉट लिया 2 साल बाद मैं सब प्लॉटों को वापस ले लूंगा, मैं सबकी किसी की गारंटी नहीं लेता। केवल एक अपना इन्वेस्टर है, मतलब मिलन सर ने मेरे साथ 5 लाख रुपए लगाए, मैंने एन टाइप का जो प्लॉट है वो उसकी वैल्यू क्या है कि हम जब किसान से जमीन लेते हैं तो केवल 10% पैसा उसको देते हैं। जो 1,000 का जमीन दे रहा हूं इसकी मुझे सारी पेमेंट जो 1 साल बाद देनी है, अभी मुझे 10% देना है, 3-4 महीने बाद फिर 10% दूंगा, 3-4 महीने बाद फिर 10% दूंगा, और लास्ट में 1 साल के बाद उसे सारी पेमेंट देंगे। तो हमारा जो शुरू का 20-25 लाख रुपए है ये हमारा 1 से 1.5 साल में डबल हो जाएगा शुरू का जो लगा हुआ है, क्योंकि वो जो प्लॉट एन टाइप के जो प्लॉट होते हैं या जो भी भाई, हम ज्यादा मार्जिन नहीं लेते शुरू में, 2-3 हजार रुपए का मार्जिन धर के बेच लेते हैं चीजों को। लेकिन कुछ चीजें जो हम रोक लेते हैं, जो बढ़िया चीजें एल टाइप की प्लॉट है, मान लो आज वो प्लॉट की वैल्यू जब डेवलप हो रही है, जब उसका रेट हमने मान लो 25,000 रुपए रखा और 5 लाख रुपए में किसी को बुक कर लिया, सर 5 लाख तो दिया उसने, प्लॉट तो मेरा बुक कर लिया ना, प्लॉट तो उससे हो गया ना, अब मेरा उससे वादा हो गया कि 1 साल बाद कुछ समय पैसे देगा रजिस्ट्री करा दिया, तो उस समय तक वो प्लॉट की वैल्यू 35-40 हजार में जा लेती है, क्योंकि उस समय तक वो सड़कें बनी और होती है, जो मैंने आपको बताया कि 10-20 मकान कलानी में बन चुके होते हैं उस समय तक, जो हम लोग क्रॉस पार्क और खंभे की कोशिश करते हैं लगवाने की वो हम लगवा चुके होते हैं 1 से 1.5 साल में। तो इस चीजों को लगने के अनुसार वो चीजें जो है 10-15 हजार रुपए की ग्रोथ उस जमीन में हो जाती है जो दिल्ली वाली जमीन है। जो यूपी वाली जमीन है वो 8-10 हजार रुपए गज की है, तो उसमें जो है 15,000-20,000 में वो ग्रोथ जाएगी। तो जो भी कोई भाई इन्वेस्ट करना चाहता हो विद गारंटी के साथ में, प्लॉट लेना चाहता तो प्लॉट की उसकी हेडिंग है कि वो उसका 2 रुपए का हो या 2 लाख का हो या 2 करोड़ का हो, लेकिन इन्वेस्टर के लिए मेरे पास ऑप्शन है विद गारंटी के साथ। अगर वो 2.5 लाख रुपए देता है तो 25,000 की रजिस्ट्री करा सकता है जमीन, मैं उसे प्लॉट बता दूंगा ये प्लॉट देना, वो कभी भी जाए कभी भी अपने को देखे, जब तक आप उस प्लॉट की हमें वापसी नहीं दे दोगे प्लॉट आपका। और जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है उसको हम 2 साल में डबल कर 2 लाख का चेक अभी दे देंगे, तो 2 लाख का चेक वो हमसे अभी ले ले, अपना 2 साल बाद अपने अकाउंट में डाले अपना पैसा। तो जिसको किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई वीडियो देखनी है या कोई और कांटेक्ट करना है तो सारी से कांटेक्ट कर सकता है, अपना नंबर ले सकता है, वीडियो ले सकता है, प्रोजेक्ट की कोई आबादी दर्ज की कोई, या कोई मेरे नाम रजिस्ट्री हो रही है वो, या कोई मेरा एग्रीमेंट देखना चाहता है तो वो मैं उसे सारी चीज दिखा। तो थैंक यू मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही था, और कोई और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, किसी के मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो ऐसा। सही जगह कहाँ पे? मैं भी दिल्ली और यूपी में, दिल्ली के बॉर्डर पर है और कुछ दिल्ली में।
पुरानी संत नगर आपने सुना हो शायद, नोएडा तो मैं दिल्ली से बहुत आउटर में हूँ, हम लोग बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, यहाँ विश्वविद्यालय है, मुखर्जी नगर सुना है, जसोला भी दिल्ली के बिल्कुल आउटर में, वो आउटर में होगा उस साइड में जाके, मैं यहाँ द्वारका भी आउटर में, हम लोग जो दिल्ली के इस कोने में है जिधर टोनिया सिटी है, जहाँ दिल्ली सिग्नेचर भी बोलते हैं उसे, संत नगर मुखर्जी नगर है पुराना, जितने भी विश्वविद्यालय है, जितने भी विश्वविद्यालय, जितने आईएएस आईपीएस जो बच्चे सीख रहे हैं वो सब यही है मुखर्जी नगर में। हमारी विधानसभा है दिल्ली की, वो सिविल लाइन में वो मतलब 10 किलोमीटर के दायरे में, तो पुराना जो पसंदा था कश्मीरी गेट, वो मेरी सिग्नेचर जो सिटी की साइड है उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे, और एक मेरे 18 किलोमीटर की दूरी पे कश्मीरी गेट आई है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दोनों ही पास पास पड़ते हैं। संत नगर पुराणी में है मेरा ऑफिस, जो जमीन है वो थोड़ा सा आउटर में है, 3 किलोमीटर है के दिल्ली वाले, संत नगर से 3 किलोमीटर उसी सड़क पे चल रहा है, वो धीरे धीरे जो ये किसानों की जमीन थी धीरे 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 डेवलप होती जा रही है, और आने वाले समय में तो शायद डीडीएम जमीनों को एक बात रहेगी, हाई स्टाइस की प्लानिंग है वहाँ। हाँ तो संत नगर में जो है तो आप वहाँ कभी भी आओ, और सर आपके आपकी तो टीम है जो ना वहाँ काफी ग्रोथ करेंगे, कैंगन वाटर का तो बहुत बड़ा हुआ है वहाँ, हब है, मैं तो ये कहूँगा दिल्ली में, दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में बहुत आगे है, उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी सर, मेरा सहयोग हमेशा, आप कभी भी आ जाओ दिल्ली, हमारे जहाँ सर रहते हैं इधर का, ये अभी ये बताइए अभी कितने का चेक देना है आए? सर मैंने बताया ना, मेरा तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, जो आपकी इच्छा। सुभाष जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं जी, आपने कुछ बोला सिजरा, हां ये मतलब जो हमारा मास्टर में 712 है, मतलब जमीन किसके नाम पे है ना, वही बताता ना, वही नहीं सिजरा है, उसमें खसरा नंबर होता है सिजरा जो बोलते हैं, अच्छा वो जमीन भाई के नाम है, कागज आपने देख लिए फर्ज देख ली, इनके नाम आपने सब कुछ चेक कर लिया, अब ये जमीन का ये पार्ट है, ये खसरा नंबर 19 है, ये खसरा नंबर 20 है, ये खसरा नंबर 21 है, ये खसरा नंबर 22 है, अब आप ले रहे हो 19 के पैसे दे रहे हो 19 के, और धोखाधड़ी क्या होती है कि आपको जो पोजीशन देती जाती है वो ये बताई जाती है कि यहाँ से सड़क जा रही थी बहुत बढ़िया हाईवे था ये बिल्कुल, दिखाई ये जाती है आपको, रजिस्ट्री कर दी जाती है यहाँ की, अब जब 10 साल देखो इन्वेस्टर कभी उस पर बनाने तो जाता नहीं है, वो तो देख रही जमीन रजिस्ट्री करा ली अपना फ्री हो गया, हाँ जी मैं तो ओके हूँ बिल्कुल, लेकिन जब उस पर 2-4 साल बाद जब वो बेचना जाता है, उस समय जो लेने वाला अगर वो भी ऐसे ही कोई बेवकूफ हुआ तो ले सकता है, लेकिन अगर वो समझदार हुआ तो वो सर्च करेगा आपका सिजरा कहाँ पे है, दूसरा नंबर कहाँ पे है, वो पटवारी को तहसीलदार को पकड़ कर लाया, आप बता रहे हो कि मेरी तो यहाँ पे थी, यहाँ से तो हाईवे जा रहा है, जब वो पटवारी को तहसीलदार को चेक कराता तो आपका दूसरा नंबर यहाँ पे, तो वो आपसे कहेगा नहीं सर आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे यहाँ पे बता रहे थे, ये तो आपका तो यहाँ पे है जमीन, कागज आपके ओके, कागज में कोई दिक्कत नहीं है। वो खरीदने से पहले करो ना सर सर्वे, हाँ कर सकते हो, तहसील में जाके पटवारी से तहसीलदार से मिलके अपने खसरे नंबर को जो भाई साहब ने आपको बताया उसके पेपर लो, खसरा नंबर लो कि मैं 1 करोड़ का दे रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं चेक करूंगा कि मैं तुम जो मुझे जमीन बता रहे हो वो जमीन है आपकी या नहीं है, सर्च रिपोर्ट जो निकालते हैं, हाँ सर्च रिपोर्ट देता है वो पटवारी आएगा विद गारंटी के साथ, हम लोग जो ना कई बार उन चीजों में लापरवाही कर मेरी रजिस्ट्री हो रही है और जमीन ले ली मैंने बिल्कुल आउटर में गाजियाबाद के दूसरे कोने पे, हेलो कई बार क्या है कि पटवारी आप जब रजिस्ट्री करवाते हो तो वो फोटो खींचता है आपका वहाँ पे और आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं इस खसरा नंबर की रजिस्ट्री कराना चाह रहा हूँ, ये मैं खरीद रहा हूँ, तो गवर्नमेंट में तो आप पे कर रहे हो लेकिन पटवारी को 2000 रुपये या 10000 रुपये नहीं दे रहे, और फोटो हम कहाँ
खिंचवा लेते हैं, कोई भी हरा खेत मिल गया वहां जाकर फोटो खिंचवा ली, करने का ये फोटो खींच ले, ये वही करते हैं, वो करते हैं लेकिन वो सही नहीं है। सही तो नहीं है लेकिन पटवारी ने 10,000 रुपये मांग लिया था आपने आपसे, अब 10,000 बचाने के चक्कर में आप हेलो जमीन जो उसने ली थी वो जमीन वो पट्टे वाली जमीन थी, जो छोड़नी पड़ी वो पट्टे की जमीन थी, गरीब आदमियों को गवर्नमेंट ने पट्टे के तौर पे सहायता के तौर पे दी होती वो जमीन थी। पट्टा लगता कि किसान वाला था वो समझा नहीं। देखो पट्टा क्या होता है कि कोई चरवाहा है और ये ऐसी ग्राम पंचायत जगह है और गाँव में कुछ लोग गरीब है उनको वो जमीन पट्टे दे दी जाती है और वो गरीब लोग होते हैं उनसे वहाँ के लोग ब्राह्मण वो जमीन छप लेते हैं कम पैसों में। फिर उनको कोई अमिताभ जैसा मिल गया, उन्होंने 100-200 बीघे जमीन ली पट्टे वाली और कुछ अपनी भी किसानों को, दोनों ही बोल होगी ना उसमें, तो वो किसी को दे दे। अब वो जो पट्टे वाली जमीन है उससे बचना है, वो बेचने की बेची नहीं जाती है, और अगर आप बेचोगे तो आप अपने गांव के ही लोगों को दे सकते हो, बाहर के किसी को नहीं दे सकते। तो अगर वो उस जमीन को कोई वहाँ की अथॉरिटी एक बार कर लेती है तो मुआवजा वो मुझे भी दे सकती है, मिलन को भी देती है, कोई एससी है उसको भी देगी। वहाँ जो जमीन एने है कि खेती का जमीन नहीं है, हम खेती से जमीन खेती वाली जमीन लेते हैं उसका आवाज दर्ज करा लेते हैं। सुभाष साहब की आजकल जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में क्या हो गया है, आई थिंक महाराष्ट्र में भी है, जैसे मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ मैंने रजिस्ट्रेशन करा ली तो एक हफ्ते बाद आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन जाकर उसकी एक ईसी करके आते हैं इनकम्बरन सर्टिफिकेट। तो ये 50 साल पहले किसकी जमीन थी उसके बाद किसने खरीदा लास्ट में फिर मेरा नाम आता है, तो वो प्रिंटआउट जो है आजकल डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है, तो आपके साथ जब हम डील करेंगे तो ऐसा कुछ होगा हमारे। हाँ वो ऑनलाइन जैसे फर्क धीरे धीरे, तो अधिकतर जैसे हम जमीन भी लेते हैं ना तो 52 साला एक सिजरा बोलते हैं उसे, वो 52 साल का भी रिकॉर्ड हमें निकलवाना चाहिए। हाँ कोई बड़ी देखो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सर जहाँ 2-4 करोड़ की बात होती है तो फिर 10-20-50 हजार रुपए लगाने में सोचना नहीं चाहिए, उसकी पूरी फाइल चेन निकलवानी चाहिए, देश आजादी से निकलता है वो 65 के या 52 के बाद वो चीजें हुई है। तो अभी जो नया प्लॉट हमने लिया है जो मतलब अगर हम उसको डायरेक्ट हमको प्लॉट चाहिए बराबर ना, जो आप नया ले लिए बराबर ना, मतलब थोड़ा आउटर पे है क्योंकि हमारे पास 10-5 साल का टाइम है ठीक है, तो उसको मतलब उसमें मतलब मिनिमम कितना बड़ा है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? 50 गज का प्लॉट है मिनिमम, 50 गज का। इसकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ रही है? 15 लाख। अच्छा ये मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं ठीक, जो दिल्ली वाली जमीन है, दिल्ली वाली जमीन है। और जो यूपी वाली है उसमें मिनिमम 2.5 लाख से इन्वेस्टमेंट है। अच्छा 25 गज का प्लॉट, 25 गज का है, 25 गज का 2.5 लाख, वो 10,000 रुपये का जमीन है। अच्छा और 50 गज तो जो मैं दिल्ली में आपको बता रहा हूँ ये 50 गज का, तो ये दिल्ली से मतलब अभी को खेत में कलौनी बस रही है जैसे गाँव है, गाँव धीरे 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 अभी एमसीडी में नहीं आता है वो, एमसीडी में आता। अच्छा एमसीडी में है लेकिन अभी एमसीडी से उसका सड़कें या वो नहीं बना। हाँ, अभी नहीं बना, अभी हम लोग खुद बना रहे हैं। अच्छा मतलब आगे जल्दी बनने का चांस है कि नहीं?
हमारे पास दोनों का कुछ देखिएगा, मतलब प्लॉट वगैरह का कुछ मैप वगैरह है, पेपर तो ठीक है, मैं उसकी वीडियो हम भी कुछ करेंगे, हमको जमीन में इंटरेस्ट है और हमको थोड़ा जमीन चाहिए बस, है कि नहीं? लेकिन आपके मतलब आप संभालेंगे हमारे, क्योंकि हम दिल्ली कहाँ जाने वाले सब, है कि नहीं? बराबर ना? अब सुभाष भाई के लिए हम ले रहे, मतलब आप हमारी जमीन को देखेंगे, ठीक है? बस सफल परिवार के नाते सर की भी और मेरी भी, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमारे यहाँ पे कहीं पड़ी है, ठीक है, पर चाहे 25 गज लेंगे, जो भी हमारा बजट अटा कर जो भी हाँ, जो आपका बजट है उस हिसाब से आपको थोड़ा हमको टाइम देंगे। दोनों ऑप्शन है, एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, एक आप यूजर के तौर पे भी ले सकते हैं। नहीं, हमको यूनिट चाहिए, जो जमीन चाहिए। मैं जैसे मैं फ्लैट बना रहा हूँ संत नगर में, आप चाहते हो फ्लैट लेना चाहते हो, बैंक से लोन करा के भी आपको दे सकता हूँ। अच्छा, वो लोग भी हम लोग वो भी देख लेंगे, लेकिन वो जो है वो चीजें इन्वेस्टमेंट में नहीं आती, वो यूजर के लिए। मैं आपसे कहूंगी आज आज मेरे कहने से आप 15 लाख रुपए लगा दो और मैं 5 साल बाद आपको इसके 30 लाख रुपए दे दूं, तो मैं उसमें गारंटी नहीं ले सकता। इन्वेस्टर और यूजर यूजर के तौर पर आप मुझे कभी भी द्वारा में कोई फ्लैट लेना है, दिल्ली में कहीं लेना है, नोएडा लेना है, नोएडा में कोई बड़ी जमीन लेनी है, नोएडा ग्रेटर नोएडा यम अथॉरिटी तीनों की कोई भी बड़ी जमीन लेनी है, किसान से लेनी है, अथॉरिटी का कोई प्लॉट लेना है, तो आप मुझे संपर्क करें। बहुत अच्छी बात है, आपने मैसेज दिया, हम लोग के काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है और हम लोग थोड़ा जमीन लेंगे, बस इतना ही चाहते हैं कि आप उसको सुभाष भाई और तुषार भाई हमारा उसको अपनी तरफ से देखें कि नहीं, हम आपके लिए ले रहे, समझो आपका चीज रहेगा, है ना? मेरे यहाँ आज भी ऐसे ऐसे प्लॉट पड़े हैं, जसवंत सर, हरिंदर सर, सर मेरे यहाँ गांवड़ी में जहाँ हमारे प्रॉपर खेत थे वो 1974 में कटे थे और मात्र 6000 रुपए का हमारे बाबा ने 200 गज का प्लॉट दिया, आज उसके प्लॉट की कीमत कम से कम 2.5 करोड़ रुपए, और उस समय पंजाबी लोग ज्यादा आए थे हमारे इधर, उनका एक हमारे बाबा के एक मित्र थे, हमारे बाबा जैसे लाल किले में, तो जैसे जसवंत सर के फादर और लाल किले में, तो इस तरीके से वो कनेक्ट थे, तो वो जब खेत बिक रहे तो उन्होंने काफी पंजाबी लोगों को हमारे यहाँ पंजाबी प्लॉट ही बोलते हैं सर, उस तो वो काफी लोग आज तीन प्लॉट उसमें 200 दिए बाउंड्री हो गई, आज तक उन्होंने बनाई नहीं है, तीसरी पीढ़ी है उनकी सर, और आज भी वो ऐसे ही पड़े, कभी 2-4 साल में वो लोग आते हैं और हमने उन्हें कई बार कह भी दिया, तो आप जो ना मेरा ये किराएदारों पर हमें विश्वास नहीं है कब्जा करना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हमारे बाबाओं ने क्या किया था कि जैसे जमीन है सारी, या अधिकतर अभी हम यही करते हैं कि जमीन काट रहे हैं जो फ्रंट के प्लॉट है उनको हम रोक लेते हैं, उनमें दुकानें वगैरह बना लेते हैं, रेंट के इनकम हमारे चालू हो जाते हैं, प्लॉट प्लॉट की सुरक्षा होती रहती है और हमारा लिंक बना रहता है उस कॉलोनी से, अगर हमारा कोई दुकान है वोकान है या ऑफिस है तो हमारा जैसे मान लो कितने साल को कल बेचने की जरूरत पड़ी 10 साल बाद और मेरा वहां पर टचिंग ही नहीं है तो कहते सर मुझे कैसे सर्च करेंगे, अगर मेरी उस जमीन में इन्वॉल्वमेंट रही हमेशा तो कभी भी केतन सर बेचना चाहेंगे तो सर अगर मैं आज वहां प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए बने तो केतन सर मुझे कई प्लॉट सोनिया बिहार में आज ऐसे मिलते हैं कि जिनकी मार्केट वैल्यू 50,000 है और वो मुझे 45-40 में देके चले जाते हैं कि ये टेंशन आपकी आप देखते रहना जी हमें तो ये पैसे दे दो बस वही चाहिए सिंपल आने का थोड़ा सा लोड ले हमारे लिए भी आते हैं हां क्यों उसमें हमें भी कमाई ज्यादा है ना सर भाई मार्केट रेट 45,000 है आप देख लो आप हो तो सही भाई मेजर देना तो देखो मैं तो लेकिन वो सर ना इनका विश्वास है कि भाई 5 लाख कमी जा रहा है ना मेरे पैसे तो मेरे घर आ जाएंगे ना मैं किसी अदर को देऊंगा तो वो पैसे लाएगा नहीं लाएगा क्या करेगा क्या नहीं तो जमीनों में ये भी विश्वास करते हो कि जब जमीन में जो ना एक जो अमाउंट है वैसी अनऑथराइज कॉलोनी में आप जाओगे तो 1 नंबर का तो कम है और जो 2 नंबर का पैसा वो ज्यादा जाता है तो 2 नंबर के पैसे में आदमी सोचता है कि मैं मान लो मिलन सर मेरी जमीन ले रहे हैं और इन्होंने 20 लाख का तो मुझे चेक दिया और 1 करोड़ नगद दिया तो ये कोई गाली ना लगा दे कोई किसी को रिप्रेजेंट ना हो जाए कोई छीन झपट ना हो जाए और आज मोदी जी इतने सख्त हो रहे फिर भी
केस का काम होते हैं। जितने गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है वो लोन वाले जो उनमें नहीं है कह सकता हूँ, लेकिन वो भी क्या करते हैं सर्किल रेट में, जैसे अभी मैं फ्लैट की बात बता रहा हूँ, हमारे वहाँ जो फ्लैट का रेट है जैसे हम 20 लाख का बेच रहे हैं उसका जो गवर्नमेंट का रेट है वो 11,85,000 करीब, तो लोग ये चाहते हैं कि मेरा जो 15,00,000 में रजिस्ट्री हो, मैं 5,00,000 वैसे दे दूँ, मेरा रजिस्ट्री की कॉस्ट तो कम से कम हो जाए, क्योंकि 1,00,000 में 7,000 रुपये लगते हैं हमारे यहाँ रजिस्ट्री, अगर 10,00,000 की वैल्यू हो तो 70,000 हो सीधे। नहीं जो फ्लैट बता रहा हूँ जो मेरी अभी जो वैसी जमीन है इसमें सर 3,500 रुपये का आया, हम लोग उसे देख रहे हैं 25,000 रुपये एक वाड़ी में, और एक मेरी जो टॉनिक सिटी वाले बता रहा हूँ जो उसका आज सर्किल रेट 9,000 हम देख रहे हैं 10-12-15,000 आप 12,00,000 का प्लॉट ले सकते हो 9,00,000 अकाउंट में दे सकते हो कोई दिक्कत, 3,00,000 और आप 12,00,000 की रजिस्ट्री करा देता हो 12,00,000 करा दो आप वाइट में दे दो पेमेंट जो रजिस्ट्री का कॉस्ट है वो आपको 12,00,000 का देना पड़ेगा। उससे आप नीचे नहीं लिखवा सकते, ऊपर का ले सकते हैं लेकिन हाँ ऊपर का गवर्नमेंट ले सकती है नीचे का नहीं ले सकती, नीचे का थैंक यू सभी को। एक दिन मैडम को जो पेमेंट लाइक होगा सुबह